तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे टॉयलेट के बारे में जो अजीब है, और मैंने ये सिखाने के लिए फिजिक्स बेस्ड वाटर सिमुलेशंस भी किए जो और भी अजीब है। एनीवेज चलिए जानते हैं। मैं बचपन में जब वॉशरूम में जाया करता था तो ऐसे बाल्टी भर भर के पानी डालता था वॉशरूम में या टॉयलेट में, क्योंकि मुझे बस वो लेवल राइज होते दिखना था। एक डिफॉल्ट वाटर लेवल होता है तो मुझे लगता था कि जा कहाँ रहा है पानी। लाइक काफी लोगों को इसका आंसर पता है, काफी लोगों ने ये सोचा ही नहीं है, और कुछ लोगों ने सोचा है पर कभी सर्च नहीं किया। इसका आंसर है ट्रैप्स। अब ये ट्रैप्स क्या है, सिमुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दो सिमुलेशन बनाए मैंने, ये फर्स्ट सिमुलेशन होगा। इसको 4 घंटे लगे बस रेंडर होने के लिए 10 सेकंड का, और काफी दिन बनाने के लिए, तो प्लीज अप्रिशिएट करो ये। तो ये है एक पी ट्रैप। अगर पी ट्रैप क्यों, क्योंकि वो पी शेप में है, इन्वर्टेड पी में। ये क्या होता है, अगर इसे हम पानी पोर करेंगे तो जो नीचे का पाइप है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, वो भर जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा पानी आता है वो ओवरफ्लो के पीछे वाले पाइप से चले जाता है। तो इससे क्या होता है, एक लेवल मेंटेन्ड रहती है। पर आप बोलोगे ये पानी क्यों चाहिए, राइट? क्यों मतलब क्यों पानी क्यों चाहिए यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण है, ये पाइप जो जा रहा है पीछे वाला, वो सीवर में जा रहा है। सीवर या सीवेज टैंक या जो भी गटर है, जो भी है, वहां से गंदा स्मेल वापस घर में आ सकता है, जो बहुत बुरा होगा। तो ये पानी एक सील बना देता है और स्मेल को रिटर्न घर पे आने नहीं देता है। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फोन या ज्वेलरी वगैरह गिर जाती है तो तुरंत सीवेज टैंक में नहीं जाएगा, वो वहां होल्ड होगा निकालने के लिए, निकालना है तो। और थर्ड मतलब, अगर कुछ सॉलिड है जो स्मेल कर रहा है पानी में जाता है, तो उसका स्मेल डिसिपेट होने को टाइम लगेगा पानी में, इंस्टेंटली नहीं होगा। और एक मेजर इवेंट भी है जो मैं आपको सेकंड ट्रैप एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। तो सेकंड ट्रैप के ऊपर चलता है। ये सेकंड ट्रैप जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं एस ट्रैप, या कुछ लोग इसे यू बेंड करके रिफर करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, एक यू शेप पाइप या एस शेप पाइप है जहाँ पानी ओवरफ्लो के ऊपर से फिर नीचे गिरता है। अब इस ट्रैप का इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अमेरिका में बैंड है। क्यों? क्योंकि ये पाइप इतना लॉन्ग है कि वो साइफन कर सकता है पानी को, मतलब एडिशनल पानी को अपने साथ लेके जा सकता है, और फिर वो पानी का सील ब्रेक होगा और स्मेल अंदर आ सकता है। ये सब ट्रैप्स बनाए ही क्यों गए थे, काफी सारे रीजंस है, काफी सारे साइटेशंस है, पर एक मेजर इवेंट भी हुआ था इंग्लैंड में जिसका नाम है द ग्रेट स्टिंक। स्टिंक मतलब गंदा स्मेल। तो उनके रिवर में समर टाइम था और वो सड़ने लगा था, और तब ये ट्रैप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो क्या हो रहा था, सब स्मेल जो है वो सबके घरों में चला गया और काफी लोगों को कोलेरा वगैरह हुआ और काफी सारे इन्फेक्शंस वगैरह हुए। तो अगली बार जब आप वॉशरूम में अपना आउटपुट प्रोग्राम रन करने जाते हो, फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या कुछ लोग प्लाज्मा, तो अप्रिशिएट करो ये बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है करके। आपको सेफ रखने के लिए इतने सारे चीजें, बेसिक चीजें चल रहे हैं। अंडररेटेड है काफी टॉयलेट मेरे हिसाब से। अजीब चीज ये है कि आप जब भी वॉशरूम जाओगे आप मेरे को याद करोगे, जो बहुत अजीब है, प्लीज मत करो। ज्ञान के गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकिया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, संदीप रामकृष्ण, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव, और कुछ भी मेहता। थैंक यू सपोर्ट के लिए सब मेंबर्स को।